हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। प्रेडेटर ड्रोन्स के बाद अब अमेरिका के मिनी यूएवीज और इसराइल से हेरन यूएवीज का एडवांस वेरिएंट लेने की तैयारी। एलएसी पर भारत और चीन के तनाव का समाधान निकलने में हो सकती है और देरी। भारत के कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का नहीं लग पाया है अभी तक पता। भारतीय रक्षा मंत्रालय कभी भी जारी कर सकती है इंडियन नेवी के लिए P-75I प्रोग्राम के लिए फॉर्मल टेंडर। और जानिए भारत द्वारा आर्मेनिया को डिलीवर की गई फॉल्टी स्वाति रडार का क्या है सच। अभी हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कुछ सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि चीन डेस्पांग सेक्टर के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को ऑक्यूपाई करना चाहता है, और अगर चीन ये करने में सफल हो गया तो फिर उसे यहाँ से सक्षकम वैली के लिए एक छोटा रास्ता मिलेगा। और सक्षकम वैली वो जगह है जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को दे दिया था, और फिर इस वैली से काराकोरम पास पहुंचने के लिए चीन को और भी बेटर रूट मिलेगा। और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नहीं चाहती है कि भारत दौलत बैग ओल्डी पर मौजूद रहे, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि इंडियन आर्मी के रहते हुए उसकी सीपैक परियोजना पर खतरा आ सकता है। और इसी वजह से डिसएंगेजमेंट करने के लिए जो निगोसिएशन चल रहा है उसमें डेस्पांग सेक्टर वाले प्रस्ताव पर चीन बिल्कुल साइलेंट है। और अगर दौलत बैग ओल्डी के पास चीन अपनी पोजीशन बना लेता है तो फिर भारत की सियाचिन पर मौजूद पोस्ट पाकिस्तान और चीन की फोर्सेस के बीच में रह जाएगी। फिलहाल तो चीन का ये कहना है कि चुसूल की महत्वपूर्ण पहाड़ियों से इंडियन ट्रूप्स वापस आ जाएं, लेकिन भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना किया है। और अभी तक चीन की तरफ से कोर कमांडर लेवल की अगली मीटिंग के लिए डेट्स को कंफर्म नहीं किया गया है, जिस वजह से विंटर सीजन के पीक पर पहुंचने से पहले भारत और चीन के ट्रूप्स के पीछे जाने की संभावना बेहद कम है। और जबकि आज गुरुवार को चाइनीज मिलिट्री की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि भारत और चीन एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को प्रमोट करने के लिए कैंडिड और इन डेप्थ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच 8वीं कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग के बाद से मौजूदा स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के लिए लगातार बातचीत चल रही है। और चीनी ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि चाइना भारत के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने के लिए तैयार है, और वो उम्मीद करते हैं कि भारत भी सेम गोल के साथ चीन के साथ आगे बढ़े। हालांकि बस फर्क इतना है कि ये चीनी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और जो ये साथ मिलकर आगे बढ़ने वाली बात कर रहे हैं, और वो भी चीन इसलिए कह रहा है क्योंकि उससे अभी अच्छी तरीके से मालूम है कि जो मौजूदा स्थिति है वो ज्यादा उसके पक्ष में नहीं है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि 1962 से लेकर 2020 तक अब भारत भी काफी हद तक बदल चुका है, और अब भारत ने जैसे को तैसा जवाब देने वाली नीति को अपना लिया है। बाकी चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडियन सोल्जर्स गोलगप्पे काफी तीखे खिलाते हैं। आज श्रीनगर में HMT चौक के पास तैनात आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी पर कुछ आतंकियों द्वारा हमला किया गया था, और इस हमले में हमारे दो जवान जीवन का सर्वोच्च बलिदान देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और बताया जा रहा है कि दोनों जवान टेरिटोरियल आर्मी से थे। हालांकि ये हमला जिस जगह पर हुआ वो एक बेहद ही आबादी वाला क्षेत्र था, तो इसलिए आसपास मौजूद सिविलियंस को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने काउंटर फायरिंग नहीं की। और फिर इस हमले के बाद पूरे एरिया की घेराबंदी की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन दोनों जवानों की आत्मा को शांति मिले। और इस खबर से उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर पर तैनात हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करती है, उन पर अत्याचार करती है। अगर ऐसा होता तो आज उन आतंकियों के हमले के बाद फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आसपास मौजूद सिविलियंस की जान की परवाह ना करके सीधे उन पर फायरिंग कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके बदले उन्होंने भले ही अपने जीवन का बलिदान दे दिया पर आसपास मौजूद सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं होने दिया। टॉप सोर्सेज के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंडियन नेवी के P-75I प्रोग्राम के लिए अब कभी भी एक फॉर्मल टेंडर जारी किया जा सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस P-75I प्रोग्राम के तहत इंडियन नेवी के लिए नई जनरेशन की स्टेल्थ कन्वेंशन सबमरीन्स को बनाया जाएगा, और ये परियोजना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत रहेगी जिसमें फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इंडियन कंपनी के साथ मिलकर इन सबमरीन्स को भारत में बनाएंगे। और इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि अमेरिका से इंडियन नेवी के लिए दो प्रेडेटर ड्रोन्स को लीज पर लेने के बाद अब ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि भारत यूएसए से कुछ मिनी यूएवीज को भी ले सकता है। और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अगर ये मिनी यूएवीज लिए जाते हैं तो ये RQ-11 रेवन यूएवीज हो सकते हैं, जिसको लेकर अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्ट आई थी। और जबकि इनके अलावा इसराइल से भी जल्द ही हेरन यूएवीज के एडवांस वेरियंट लिए जा सकते हैं जो कि मुख्य रूप से इंडियन आर्मी के लिए लिए जाएंगे। और सोर्सेज के मुताबिक जो हेरन ड्रोन्स वाली डील है वो अपनी फाइनल स्टेज में है और दिसंबर के महीने में इसके औपचारिक रूप से साइंड होने की उम्मीद है।
और वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में जो हेरन ड्रोन्स मौजूद हैं, जो कि मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, ये नए वाले हेरन ड्रोन्स मौजूदा ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा एडवांस होंगे और इन ड्रोन्स को भी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सर्विलियंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगापुर में स्थित साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रुप आईबी की रिपोर्ट के अनुसार करीब 6 महीने पहले भारत के कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था वो शायद अभी तक अनडिटेक्टेड है, यानी कि उसका पता नहीं लग पाया है। और जबकि हाईटेक क्राइम ट्रेंड्स 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार कि आर्काइव की सारी फाइल्स अलग अलग टाइम में कंपाइल की गई थी, लेकिन जो डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसकी मेन फाइल 30 जनवरी 2019 यानी कि 6 महीने से भी अधिक समय से है। और इसलिए इस रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि हैकर्स विक्टिम नेटवर्क में काफी लंबे समय से अननोटिस थे, यानी कि उन्हें काफी लंबे समय तक नोटिस नहीं किया गया था। और ग्रुप आईबी के अनुसार भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर कई अलग अलग नेशंस का इंटरेस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को विकसित कर रहा है, और थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स जो कि अभी भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। तो इसलिए अगर भारत इसमें सफलता हासिल कर लेता है तो फिर निश्चित रूप से भारत के लिए तो एक गेम चेंजर साबित होगा और एक खास करके लिए उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब होगा जो भारत को इस क्षेत्र में पीछे मानते हैं। तो इसलिए सबकी नज़र भारत की इस टेक्नोलॉजी पर है और पूरी दुनिया में भारत में ही थोरियम का सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट है। और इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और दे दें कि भारत और अमेरिका के बीच एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है जिसमें दोनों देशों ने अपने बीच के न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन को 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में हमारे निकम्मे पड़ोसी की तरफ से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें उनका यह कहना है कि आर्मेनिया ने अजरबैजान और निकम्मे पड़ोसी की भाषा में अजरबैजान से युद्ध हारने के लिए भारत को दोषी ठहराया है और ये दावा किया है कि भारत ने आर्मेनिया को जो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सप्लाई की थी वो फॉल्टी थी और इसलिए अब आर्मेनिया भारत से इसका रिफंड चाहता है। और बाकी इसके साथ निकम्मे पड़ोसी ने भारत की रेपुटेशन पर भी सवाल उठाया है और ये ट्वीट पाकिस्तान के काफी मशहूर ट्विटर हैंडल पाकिस्तान डिफेंस की तरफ से किया गया है। मतलब निकम्मे पड़ोसी की इस रिपोर्ट के अनुसार जाएं तो ऐसा लग रहा है कि मानो आर्मेनिया ये पूरा युद्ध केवल भारत की स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के आधार पर लड़ रहा था और इसलिए उस रडार में कोई कमी आई होगी तो वो युद्ध हार गया। चलो आप एक बार के लिए इस पॉइंट को भी अवॉइड कर दो। अब हम आपको ये बताते हैं कि स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की जो डील है वो भारत और आर्मेनिया के बीच इसी साल मार्च के महीने में साइंड हुई थी जिसमें करीब 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार आर्मेनिया को डिलीवर की जानी थी। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्च महीने के बाद से ही हमारे चिंदी पड़ोसी की वजह से जो चाइनीज वायरस आया था उस वायरस के बाद लगभग पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया था और फिर ऐसी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई थी कि भारत ने रडार आर्मेनिया को डिलीवर कर दी है या नहीं। हालांकि बीच में रिपोर्ट आई थी कि 2 रडार आर्मेनिया को डिलीवर की गई हैं, लेकिन वो भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं थी। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि जरूरत को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि भारत ने आर्मेनिया को ये सारी रडार यानी कि 4 के 4 रडार समय से पहले डिलीवर कर दी हों। लेकिन ये बात तो आप भी समझते होंगे कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश से कोई डिफेंस इक्विपमेंट लेता है तो ऐसा तो होता है नहीं कि इक्विपमेंट जैसे डिलीवर हुआ उसे वैसे ही डिप्लॉय कर दिया जाए। पहले वो देश स्थानीय तौर पर उसकी टेस्टिंग करता है, फिर उसके ट्रूप्स को उसके लिए ट्रेन करता है और तब जाकर वो इक्विपमेंट ऑपरेशनली डिप्लॉय होता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत ने अगर रडार्स डिलीवर कर भी दी हो तो क्या आर्मेनिया ने ये सब चीजें इतनी जल्दी कर ली होंगी? चलो अगर आपको ये वाला पॉइंट भी नहीं मानना है तो ये भी हटा दो, पर ये बात तो मानोगे ना कि अगर आर्मेनिया के साथ ऐसा सच में कुछ हुआ होता तो आर्मेनिया गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो हमें देखने को जरूर मिलती। लेकिन यहीं पर दिक्कत है कि आर्मेनिया गवर्नमेंट की तरफ से स्वाति रडार की अंडर परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल हमें तो देखने को नहीं मिली है और ना ही ऑफिशियली ऐसा कहीं मेंशन हुआ है कि आर्मेनिया को इस युद्ध में जो लॉस हुआ है उसमें भारत के मिलिट्री इक्विपमेंट भी डिस्ट्रॉय हुए थे। तो फिर ये हमारे निकम्मे पड़ोसी किस आधार पर ये सब कह रहे हैं? और क्या पता ऐसा हुआ हो, निकम्मे पड़ोसी को आर्मेनिया से एक पर्सनल कॉल आया हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो, अरे भाई यार भारत से हमने स्वाति रडार ली थी, अब वो रडार खराब निकली और चक्कर में हम पूरा युद्ध हार गए। एक काम कर दो, अपने ट्विटर से ट्वीट वगैरह करके इस रडार के रिफंड के लिए भारत को बोल दो, क्योंकि मांगने के मामले में तुमसे ज्यादा अनुभव किसी और को है नहीं और मांगने के मामले में तो तुमने पीएचडी कर रखी है, तो क्या पता तुम्हारे कहने पर भारत रिफंड दे दे। और वैसे भी तुम्हारी जान पहचान का ऐसा कोई देश तो बचा है नहीं जिससे तुमने मांगा ना हो। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि भारत की स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सीमा क्षेत्र पर तैनात है और निकम्मे पड़ोसियों को उनकी सही जगह दिखाने में अपना पूरा योगदान दे रही है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं
तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।